सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फ्रॉम बदाल. तो कैसे हो आप सब? बढ़िया? हम भी एकदम बढ़िया है, अच्छे हैं. अभी तबीयत मेरी ठीक है. हम यहाँ पर ना परसों आए थे. और कल परसों ना इसकी सारा दिन तबीयत बहुत खराब खराब रही, ही रही वॉमिटिंग क्योंकि हुई, फीवर भी था. तो ऐसे ही पूरा दिन लेट कर ही मैंने निकाला यहाँ आज पर. कैसे है? ठीक हो? आज अच्छी हूँ, कल रेस्ट की है ना, तो इसके वजह लिए से आज ठीक हो? आज अच्छी हूँ. सही है। सो आज का ना जो टेम्परेचर है वो है 19. 19 और आज दिन 25 हो चुका है। कल 24 वाले दिन हमारी छुट्टी होगी जी, ब्रेक हिस्ट्री चैनल पे भी और किंग एंड क्वीन चैनल पे भी। दोनों पर ही, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश भी हुई यहाँ पर. जब ना हम परसों आए थे, परसों हमने टेंट लगाया, उसके बाद ही बारिश की शुरुआत हो गई थी. और कल पूरा पूरा दिन दिन बारिश यहाँ पर हुई बारिश ही हुई है. और अभी ना टाइम 8:30 हो चुके हैं और ऑन रोड होते हैं। जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह. सो हमने हमारी आज की जर्नी स्टार्ट कर ली है. आज हमने जाना है वांगटू, और वांगटू यहाँ से है 29 किलोमीटर. और टाइम सुबह के 9 बजे हैं. हाफ एन आवर हुआ हमें हमारी जर्नी स्टार्ट किए. और ना एक बात और आपको बतानी है. आज ना रास्ते में एक टेंपल आएगा, बहुत ही फेमस टेंपल है, उसका नाम है त्रंदा देवी माता टेंपल. और जो भी यहाँ से गुजरता है काजा की तरफ, स्पीति की तरफ, चाहे कोई गाड़ी वाला हो, बाइक वाला हो, ट्रक वाला, बस वाला, जो भी हो, दिन हो रात हो, वो वहां पर माथा जरूर टेकता है. माना जाता है कि जब कोई भी यहाँ पर माथा टेक कर जाता है तो जो उसकी जर्नी है ना वो सेफ होती है, सेफ निकलती है. तो आज हम भी वहां पर जाएंगे, माथा टेकेंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे. हमारी राइड का आज का सबसे पहला ब्रिज है ये, और बहुत ही सुंदर व्यू है आगे का. जो बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हमें दिखाई दे रही है, पहले ना कम बर्फ थी, ये जो 2 दिन बारिश हुई है उसके कारण बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है अभी. और आज हम यहाँ से ना चले हैं, जिस ढाबे से चले हैं पदाल से, वो है 5200 फीट पर. और जो त्रंदा देवी माता टेम्पल है वो है 6800 फीट पर. और जहाँ पर हमने आज जाना है वांगटू, वो है 5900 फीट पर. तो अभी पहले नीचे से ऊपर को जाएंगे, फिर ऊपर से फिर नीचे को आएंगे. पहाड़ियों में ऐसा ही होता है ना, लेकिन मजा आता है. जो भी है, चाहे थोड़ा पेन होता है, कुछ भी है, लेकिन मजा आता है पहाड़ियों में घूमने में. वाहेगुरु जी. तो सामने ना आप देखो, ऊपर की साइड छोटे छोटे फ्लैग लगे हैं ना. आप ना जब भी इस साइड आओगे, काजा, स्पीति, लद्दाख, तो आपको हर बाइक पर, गाड़ी पर या घरों पर आपको ऐसे ही फ्लैग देखने को मिलेंगे. और इस पर ना इनका जो इधर का जैसे मंत्र होता है ना, वो लिखा हुआ होता है. क्योंकि तो यहाँ पर ना बुद्ध धर्म ज्यादा है ना, इसलिए. वाहेगुरु जी. सिंगल आज सिंगल रोड है और ट्रैफिक भी ज्यादा है, क्योंकि पहले काजा स्पीति की तरफ कोई नहीं आता था, लेकिन अभी सभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि काजा पर क्या है देखने के लिए. तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, जैसे कलकत्ता से, राजस्थान से, गुजरात से. सो सभी अभी भर भर के गाड़ियां आ रही हैं. सो वेलकम टू किन्नौर. शुभ आगमन का मीन्स होता है वेलकम ही होता है, हिंदी में बोलते हैं. और ना यहाँ से किन्नौर की जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है उसकी हद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. हाँ, यहाँ से शिमला को हमने बाय बाय कर दी है और किन्नौर से आज हम हाथ मिलाएंगे. और आगे ना गेट बना हुआ है, वैसे तो यहाँ से किन्नौर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक और गेट बनाया हुआ है, वो भी गेट आपको दिखाएंगे. लेकिन आपका वेलकम है सभी का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जी. और इसके बाद फिर मुझे लगता है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी ना. हाँ जी, शायद वही. हाँ, वो आएगा हमें ताबो से स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगी. अब तक हमें किन्नौर ही रहेगा. सो देव भूमि किन्नौर में आप सभी का स्वागत है. तो पहले ये गेट आता है किन्नौर का, उसके पहले था वेलकम टू किन्नौर. वाहे गुरु जी.
अभी हम ना किन्नौर में एंटर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो शिमला की जर्नी है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। अभी हम किन्नौर में घूमेंगे ताबो तक, ताबो से फिर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी हमें। हाँ, हमें ना काफी लोगों ने बताया था कि जो काजा का रास्ता है, काजा स्पीति का, वो बहुत ही टाइट है, सो केयरफुली चलना। ऐसा ही है, एक बस आती है और साथ में जस्ट साइकिल ही निकलती है, इतना सही रास्ता है। कोई बात नहीं, हम केयरफुली चलेंगे ध्यान से, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपको घुमाना है हमने, सेफ्टी भी चाहिए। तो अभी हम कहीं पर रुकते हैं, वहां पर बैठकर चाय पीते हैं। सुबह का हमने कुछ नहीं खाया, चाय पी है। रोड देखो, रोड का क्या हाल है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि टूटा हुआ रोड है, एक बस या ट्रक ही निकलता है, साथ में साइकिल या मोटरसाइकिल निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। वाह, सामने का व्यू, वाटरफॉल। हाँ, मजा आ गया, पहला वाटरफॉल देखा मैंने। यहाँ पर रुके, अरे मजा आ गया आज तो। ये ना जितनी बर्फ पड़ी है ऊपर, सभी पिघल कर आ रही है। सो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की पहली चेक पोस्ट। यहाँ पर जो भी आता है, गाड़ी वाला, साइकिल वाला, बाइक वाला, उसको अपना नाम, पूरा एड्रेस, किस पर आए हो, सब कुछ लिखाकर आगे जाना पड़ता। सो इसमें ना अपनी ही सेफ्टी है, क्योंकि आगे कुछ भी हो जाए आपके साथ, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इनको मालूम होगा कि आप आगे गए हो। ऐसे ही लद्दाख में होता है, जगह जगह चेक पोस्ट होती है, वो आपका पूरा बायोडाटा लेते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, कितने लोग हैं। सो ये पब्लिक के लिए अच्छा है। ले लो एक, हाँ एक ही ले लो। हमारे पास ना ब्रेड का पैकेट नहीं था, ना ही बिस्कुट थे, तो हमने सोचा कि यहाँ से बिस्कुट लेते हैं तो और आगे चलकर कहीं पर चाय पियेंगे बिस्किट के साथ। और अभी अमृत ने कहा कि स्लाइस भी ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है अभी। ये बात सोच के हैरान हूँ, हाँ, कि सांस आती नहीं, हाँ, फिर भी स्लाइस पीना है, सांस आती नहीं लेकिन लेज फिर भी खाना है, तो सेहत का जब अपनी का ख्याल ही नहीं रख रही। नहीं देखो, पहाड़ी एरिया में ना कुछ मालूम नहीं चलता कि मौसम क्या हो जाए। पहले हमें सर्दी लग रही थी, हम बोल रहे थे कि धूप निकल आए, अभी हमें गर्मी लग रही है तो हम स्लाइस पियेंगे, ऐसा ही है हमारा। सो हमें ना पहले भी किसी ने बताया था कि आगे रोड बंद होगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वार्निंग, रोड क्लोज 2 किलोमीटर अहेड। ये टाइमिंग लिखी हुई है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बंद होता है, प्रॉपर टाइमिंग है। अभी 10:25 हुए हैं, 11 बजे बंद होगा। कैसे हो? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदार। केदार है आपका नाम? अच्छा, आप मुंबई में रहते हो? मुंबई में रहता हूँ। बढ़िया बात है भाई। तो भाई ने हमें अप्रिशिएट किया यहाँ पे रुक के, भाई ने बोला कि जब मैंने साइकिल देखे ना, मैंने सोचा कौन आया है साइकिल पे। लिटरली एक्चुअली साइकिल देखा तो इतना मेरे को अच्छा लगा कि कोई तो बंदे है कि साइकिल पे जा रहे हैं। सही बात है, मैं अंदर झांक के आपको मिलने की कोशिश की। नहीं नहीं, बढ़िया, मिलने के बाद तो बहुत मजा आया। हमें भी अच्छा लगता है ना, जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। वाली नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ठीक है, निकल जाता है। जैसे ना आप जैसे लोग जब रस्ते में रोकते हो, मोटिवेट करते हो, फिर ये रास्ता छोटा लगता है, फिर ऐसे होता है कि आगे कोई और बैठा होगा जो हमें मोटिवेट करेगा, फिर ऐसे ही रास्ते निकल जाते हैं। किन्नौर का पहला ढाबा। सो ये किन्नौर का पहला ढाबा है, और भाई ने बहुत ही ना अच्छी जगह पर ढाबा लगाया है। ये ना कॉर्नर पर है पूरा, और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। अभी हमने ऑमलेट लिए है, ऑमलेट खाते हैं फिर आगे को निकलते हैं ना। सही बात है, जैसे आपको पहले अच्छा जैसे आपको पहले मैंने दिखाया कि आगे रोड बंद होगा, अभी 10:25 हुए हैं, 11 बजे रोड बंद होगा और 12 बजे खुलेगा, लेकिन गाड़ियों के लिए, हमारे लिए तो खुला ही होगा, हम तो निकल जाएंगे। हमारे पास तो देखेंगे, आने वाला टाइम बताएगा। हाँ, निकल जाएंगे। तो खा ले पहले। जी आ जाओ, भूख बहुत लगी है। सो जहाँ पर बैठ कर ना हमने चाय पी थी, उसके राइट हैंड साइड देखो क्या है, अभी आपको मालूम चलेगा। मैंने ना पहले नहीं बताया आपको, मैंने सोचा दिखाऊंगी बताऊंगी नहीं। वाव, नेचुरल ब्यूटी, रॉक टनल। ये है किन्नौर का
रॉक टनल गेट। वाव, ऐसा मैंने कहीं पर नहीं देखा, पहली बार देखा यहाँ पर। पहाड़ के बीच से सुरंग, नेचुरल सुरंग। वाव, सो अभी हमने ऑमलेट खा लिया यहाँ पर, चाय नहीं पी, चाय हम कहीं पर आगे जाकर पियेंगे, पहले रास्ता निकाल लें। सो भगवान की मर्जी के आगे और कुदरत के आगे कुछ नहीं चलता ना, रुकना ही पड़ता है। ये बोल रही थी कि जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा कि साइकिल है, निकल जाएगा, लेकिन हाँ। नहीं। सो आगे दिखा देते हैं किस वजह से बंद है ये, वर्क इन प्रोग्रेस। ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया सावधानी से चले। वाहेगुरु जी। सो अभी जो ऊपर से पत्थर गिर रहे थे वो तो अभी फिनिश हो गए, हट गए, और जेसीबी आई है पूरा रोड क्लियर करने। अभी रोड पूरा क्लियर होगा और जो पीछे जाम लगा है वो धीरे धीरे क्लियर होगा, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और अमृत के पास सभी बाइकर्स खड़े हैं, आकर पूछ रहे हैं कहाँ को जा रहे हैं, क्या क्या आपका रूट है। तो अभी क्लियर हो जाए फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अभी रोड क्लियर हुआ है और बहुत ही ट्रैफिक है, आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। पहले तो ना रोड इतना टूटा हुआ था जहाँ से पत्थर गिर रहे थे, बहुत मुश्किल से वहां से निकले हैं। वहां पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो सेफ भी नहीं था, ऊपर से ना अभी भी मिट्टी गिर रही थी और छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले यहाँ से निकले फिर आगे जाकर शूट करेंगे। वाहे गुरु जी, बहुत ही डिफिकल्ट है ऐसे रोड पर राइड करना और ऊपर से पत्थर गिर रहे हो। वाहे गुरु। सो अभी पहले राइड निकाल लें फिर आपसे बात करते हैं क्योंकि रोड बहुत टफ है। सो हम ना इधर से आए हैं और ये है मंदिर जय त्रंदा माँ, अभी हम दर्शन करने जाएंगे अंदर। है छोटा सा ही टेंपल लेकिन मानता है लोगों की यहाँ पर, तो इसीलिए लोग आते हैं। और दुर्गा माँ का टेंपल है ये, आपको देखा मैंने अभी YouTube में। ओके, थैंक यू। यू आर नॉट ब्रेकिंग हिस्ट्री, रादर यू आर मेकिंग हिस्ट्री एंड इन द प्रोसेस, बाय दैट प्रोसेस यू आर मेकिंग हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। यू डू सब्सक्राइब हर चैनल, डू सब्सक्राइब हर चैनल, यू नो शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच सर। वाहेगुरु जी, सभी दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, हमारी जो आगे की राइड है उसे निकालते हैं। सो हम ना मंदिर से दर्शन करके अभी चले हैं और रोड इतना डेंजरस है ना, डर लगता है। वाहेगुरु। सिर्फ ना एक ही सिंगल गाड़ी आपके साथ निकलेगी और बहुत ही डेंजरस है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जान निकल जाती है एक बार। आप ना ऊपर देखो मेरे, ऊपर की साइड कैसे पहाड़ पूरा ऊपर को आया है। ओ माय गॉड, आज तो ना भगवान ही बचाए। मम्मी याद आ जाती है ऐसे रोडों पर। सो मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस रोड है काजा के स्पीति के, उसके पीछे वाले। ये देखो आप, जब ना आप यहाँ से जाओगे तो आप ही सोचो क्या हाल होगा आपका। अभी मुझे डर लग रहा है, अगर पूरा गिर गया तो नीचे आ जाएंगे। सही बात है, क्या बनेगा ना फिर। हाय मम्मा। हाँ, ब्यूटीफुल तो है, डेंजरस ज्यादा है। वाहेगुरु, निकल गए। कैसे इनके फ्लैग लगे हुए ना चारों तरफ, इधर भी वालों के फ्लैग है। इस पे ना वो अपना किसी गुरु का ना वो मंत्र हाँ। होता है जो लिखा होता है, क्योंकि बुद्ध धर्म है ना इधर। हाँ, इसीलिए। सो ब्यूटीफुल, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत मजा आ रहा है आज। वाव, सामने पहाड़, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रिवर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। लेकिन आज ना बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये रोड ने काम बहुत खराब किया आज। वाहे गुरु जी। सो अभी ना हमने पीछे
भावानगर शहर था उसे छोड़ा है, और वहां से हमने एक ब्रेड का पैकेट लिया और एक चीनी ली, क्योंकि चीनी फिनिश थी हमारे पास, और चाय भी बनानी है अभी भी जाकर और सुबह भी। आगे जाकर कोई शॉप मिले ना मिले कुछ नहीं पता। और यहाँ से वांगटू है 8 किलोमीटर, और मौसम भी बहुत खराब है ऊपर। पहले देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कुछ रहने को मिला, कोई होटल मिला या फिर टेंट लगाने के लिए कोई जगह मिली तो हम यहीं रुकेंगे, अदरवाइज तो हमें वांगटू पहुंचना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि रास्ते में कुछ है नहीं, यही है जो है। तो अभी देखते हैं आगे क्या बनता है, फिर आपको बताते हैं। तो पहले तो आप ना मौसम देखो, पीछे से ही हमें डरा रहा था कि जल्दी जल्दी कहीं पे जाके टेंट लगा लो, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेगा ना ये वाला मौसम है। सही बात है, तभी मैंने कुछ छूट नहीं किया साइकिल भगाने की, कैसे भी वांगटू पहुंच जाए। तो हम ना वांगटू पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना ऊपर खाने का है और उनका ये नीचे वाला सभी एरिया है, और हमने ना इसके अंदर टेंट लगा लिया है। और हमारे ना साथ साथ सतलुज जो रिवर है वो निकल रही है, और सारी रात इसकी आवाज सुनने को मिलेगी। और कल वाली राइड जो होगी वो कल हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ना हमने रेकोंग प्यू जाना है, तो आ जाओ पहले तो हम खाना खा ले। सबूत कितनी ज्यादा लगी थी कि हमने शूट का तो मालूम ही नहीं चला कि वो भी करना है, क्योंकि सुबह से ना वो हमने ब्रेड ऑमलेट ही खाया है। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं खाया। हाँ, इसीलिए भूख लग रही है ना। वो तो लगेगी ना, मेरे माइंड में नहीं थी, मेरे में ना मुझे भूख लगी है, मैं सोच रही थी सुबह से वही खाया है और कुछ खाया नहीं। तो अभी ना खाना आ गया, खाना खा रहे हैं, और खाने के बाद हम ना आराम करेंगे, क्योंकि आज 30 किलोमीटर निकाला है, और जो अप आया था ना भाई एक ही दिन, उसके बाद फिर मुश्किल होता है। सही बात है, अभी पाँव काफी दर्द कर रहे हैं, अभी खाना खाएंगे, खाना खा के बाद हम सो जाएंगे। हाँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और यहाँ तक देख चुके हो तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर छोड़ के जाना। सो मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, रब रब।